भाई लोग, अभी हम पहुंच गए हैं तेलवाड़ा में और धूमलगढ़ पहुँच सिर्फ 7 किलोमीटर बचा अभी यहाँ से। तो बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिला, यहाँ पे तालाब वगैरह भी है और पहाड़ों की तो क्या ही बात करें भाई। इधर देखो उधर पहाड़ी पहाड़ है, तो बहुत ही प्यारा। और बात करें तो भाई आज जो मौसम है वाकई में सर्दीला मौसम है, और हम जब निकले थे उज्जैन से तो बहुत ही कम सर्दी थी, लेकिन यहाँ जब आए तो 2 दिन हो गए हैं, मतलब ऐसा ठंड बढ़ गई है। तो भाई लोग कुंभलगढ़ जो है हम पहुँचने वाले हैं, यह है महाराणा प्रताप की मूर्ति और सामने देख रहे हैं कुंभलगढ़ सिर्फ 2 किलोमीटर है यहाँ से, और किस रास्ते पे हमको आगे जाना है तो बस बने रहे हैं आप, चलते हैं कुंभलगढ़ के किले पे। सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है 2 किलोमीटर। तो फाइनली जो है गेट आ गया है कुंभलगढ़ किले का, तो अब चलते हैं अपन एंट्री करते हैं इसमें और देखते हैं क्या नज़ारे रहेंगे यहाँ के। किला आप देख सकते हैं, काफी जबरदस्त किला ऊंचाई पे बना हुआ है, दूर से ही दुश्मनों को देख ले ऐसा कुछ किला है। और बहुत भीड़ है एक्चुअली, गाड़ियां देखो आप लाइन से। तो भाई जिस चीज का इंतजार था कुंभलगढ़ का किला, तो बस आप जैसे देख रहे हैं पीछे जो दीवार कह लो या किला कह लो, क्योंकि दीवार तो ये है और वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट दीवार के नाम से ये जानी जाती है, क्योंकि 32 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। वो पहली जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो भाई 2nd जो है वो इंडिया का है और कुंभलगढ़ का किला। तो इसके ऊपर जो है 7 घोड़े एक साथ चल सकते थे, मतलब एक साथ एक ही लाइन में कतार में 7 घोड़े एक साथ चल सकते थे इस दीवार के ऊपर। चलते हैं क्या सीन रहेगा टिकट वगैरह का और मेन गेट से एंट्री करवाते हैं, चलते हैं। ये है भाई पहला गेट और उसके बाद मेन एंट्री गेट कुंभलगढ़ का किला। कर ली है और हमारे जो बैग वगैरह रखने की व्यवस्था थी वो भी हो गई है, और वहीं गेट पर ही जहाँ से टिकट ली थी हमने बस वहीं से गेट को ले ली थी। तो ये कुछ मैप वगैरह दिया गया है कुंभलगढ़ का, जैसे आप देख रहे हैं पत्थर पर पूरा होकर के बनाया गया है, और इसमें ये जो है के ऊपर महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 के बीच में से बनवाया था, और यहाँ पर जो है अन्य प्रवेश द्वारों में भैरव पोल, नींबू पोल एवं पाकड़ा पोल है जो ऊपर बादल महल जाने के मार्ग में आते हैं, और यहाँ पर जो है वैदी मंदिर, नीलकंठ मंदिर, महादेव मंदिर और आदि कई प्रकार के मंदिर जो है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं। सब देखकर रणकुंभा ने बनवाया था यह। तो ये रैंप बना हुआ है ऊपर जाने का, क्योंकि नीचे मेन गेट से एंट्री करने के बाद सीधा ऊपर आएगा, और इसके बीच में 2 मंदिर पड़ते हैं, और ऊपर अपन देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिलेगा। पर हवा महल के जाने के लिए पहला गेट है भैरव पोल। तो भाई लोग किले पर पहुंच चुके हैं, और
ये है तीसरा दरवाजा चौगान पोल। चौगान पोल क्रॉस किया और उसके बाद कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिला। भाई अभी बहुत चढ़ाई बाकी है और बहुत बोरिंग हो जाता है, चलना तो पड़ेगा। ऊपर चलेंगे, चल चल चल, कैंसिल कैंसिल। वाह तू ये अब आ गए अपन भांगड़ा पोल। ये है भांगड़ा पोल और यहाँ से कुछ नजारे इस प्रकार के दिखे। और ये था भाई घोड़ों का अस्तबल जो कि बहुत लंबा है। तो कुंभा महल का आंगन और बहुत प्यारी चीज है। तो ऊपर चल के देखते हैं कुंभा महल की क्या है और कैसा नजारा यहाँ से देखने को मिलता है। भैया सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, मतलब सिक्योरिटी जो है बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। यहाँ जो है हर अलग अलग पहाड़ियों, जैसे सामने भी मंदिर का पूरा मंदिर है और उसके आगे चले तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, वो वहाँ पर भी एक मंदिर है। वो बीच बीच में गांव भी बसे हुए हैं छोटे मोटे, मतलब 10 से 15 घरों के। और क्या हुआ तो काफ़ी पहाड़ जो है खंडर हो चुका है और क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। Mind your head. Okay. किले में एंट्री बिल्कुल बिल्कुल फाइनली किले में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ इस तरह का नजारा है भाई। और अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है और ये ऊपर जाने के लिए शायद लाइन लग रही है, चलते हैं ऊपर कुछ इस प्रकार का अंदर भी देखें अगर अपन तो। ये ओ वाओ ये झरोगे हैं, वाह मैं यहाँ पर ऊपर। और ये किले का दृश्य ऊपर का कुछ इस प्रकार।
राजू भाई, तो कुछ इस प्रकार रहा अपना कुंभलगढ़ का किला। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा दृश्य, पूरा आपको दिखाया, मतलब मजे आ रहे हैं। तो हो गए भैया पूरे किला का, जो कुंभलगढ़ का किला है उसके पूरे का टूर आपको मैंने करवा दिया। अब बचे हैं कुछ मंदिर सामने, और वहाँ चलते हैं और देखते हैं। अरे छोरो पाछे रही हो तुम्हारा। तो ये है वेदी मंदिर, जिसे महाराणा कुंभा द्वारा सन 1457 में किले का निर्माण पूरा होने के पश्चात बनाया गया था। स्थानीय लोग ऊंचे चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर को आज्ञा से आज्ञा देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर मतलब इस किले की ओपनिंग के लिए एक मंदिर बनवाया गया है जिसे यज्ञ देवी मंदिर के नाम से जाना गया। और कुछ इस प्रकार का भव्य मंदिर है ये यज्ञ देवी मंदिर, मतलब एक यज्ञ करवाया गया था और यज्ञ के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, कुछ इस प्रकार का है। और ये जो मंदिर है, यज्ञ देवी मंदिर जो है पूरे चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है, और एक जो मोटी बड़ी दीवार जो कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है भाई, उससे भी घिरा हुआ है। और अब ये कौन सा मंदिर है? ये पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर है, और ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर। हाँ, और इसका जो है ये भी सन 1458 में राणा कुंभा द्वारा ही बनवाया गया था, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। जय हो बाबा। और यहाँ पर बनाए गए सारे के सारे मंदिर जो है राणा कुंभा द्वारा ही बनवाए गए थे। और वाकई में, और ये कुछ गांव, इस गांव में इस प्रकार का निर्माण है यहाँ। ये है खेड़ा देवी मंदिर, और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, दीवार के ऊपर का दृश्य भी जरा दिखाई दिया जाए, क्योंकि इतना कुछ हो गया है भाई, तो थोड़ा बहुत और कष्ट सही, लेकिन ऊपर तो जाएंगे। ये दीवार के उस पार देखने के लिए शायद झरोका वरोका है कुछ है वहाँ पे यार, वहाँ जाने के लिए लगता। लेकिन नहीं, उधर से कोई अपना जाएगा वो चलाने वाला नहीं, तो उधर चल जाता। तो भाई, तो मैं अब आ गया हूँ विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लंबी दीवार कुंभलगढ़ की दीवार, और पीछे किला दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा है भाई, वाकई में मजा आ गया। तो लास्ट फाइनली विजिट हो गया है पूरा कुंभलगढ़ का किला, और अब हम निकल रहे हैं पाली के लिए। अब देखते हैं पाली के लिए कितना टाइम लगता है, और रुकते में शायद रुकना पड़े। तो बाय।